لله الذي تبدع العطاته بذاته وتنزه عن نجاسة المخلوقات وجل عن ملائمته كيفياته يا من قرب من فترات الجنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منعني به من منته وإحصانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه اللهم على الدليل إليك في البيت الأجل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والنازع الحسد في ذروة الجاهل الأعقل ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبد الله ورسوله وحبيبه ونجيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله الذي معروف في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المكرمين المنتقبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى नवाबुल्लाह ने अजीज सबसे पहले अपने आप को अपने नफ्स को और फिर आप सभी नमाज गुजारों को तकवा इलाही की वसीयत करता हूँ। जाहिर सी बात है कि दुनिया व आखिरत में नजात का सबब तकवा है। आखिरत की क़यामत की सख्तियों गर्मियों शर से बचने और नजात हासिल करने का जरिया तक़वा इलाही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद से डरने की दावत अपने बंदों को दी है, मेरे बंदों मुझसे डरो ताकि नजात पा जाओ। और क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जिसमें इंसान के तमाम राज और रमूज फाश कर दिए जाएंगे। जो कुछ इंसान यहाँ आमाल अंजाम दिया हुआ होगा वो सारी चीज़ें जाहिर हो जाएंगी। खुदा ना खास्ता अगर उसने तौबा ना किया हो, इस्तग़फ़ार ना किया हो, यहाँ तक के जो रोज़े महशर की क़यामत की कैफियत बयान की गई है मुख्तलिफ अंदाज में कुरान मजीद में जगह जगह पर इस बात की तरफ इशारा है कि क्या कैफियतें होंगी। एक कैफियत जो बयान किया वो कुरान मजीद का मशहूर मारूफ सूरा सूरह यासीन, जिसे कल्ब कुरान कहा जाता है, कुरान का दिल माना जाता है। उसमें मशहूर व मारूफ आयत है कि अलयौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जिसमें इत्ला उजाला निशान फरमा रहा है कि हम लोगों की ज़बान पर ताले लगा देंगे, मोहर लगा देंगे। तो वहाँ इंसान की ज़बान नहीं बोलेगी बल्कि वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलहुम बेमाकानून यकसिबून,
तो वहाँ इंसान के आज़ा और जवारे गुफ्तगू करेंगे, इंसान का हाथ बोलेगा कि उसने हाथ से कौन सा गुनाह अंजाम दिया है, इंसान के पैर गवाही देंगे कि कौन सा गुनाह पैरों की मदद से उसने अंजाम दिया है। तो आज़ा और जवारे को तो वहाँ खुद इंसान जब देखेगा कि आज़ा और जवारे बोल रहे हैं तो वहाँ भी डराने की कोशिश तो करेगा कि मेरे हो कि मेरे ही खिलाफ गवाही दे रहे हो। तो आज़ा और जवारे बोलेंगे कि हाँ, आज अल्लाह ने अंतकनी अल्लाह अल्लज़ी अंतक कुल्ल शय, आज हम उसके हुक्म से, उसकी इज्न और उसकी इजाज़त से हम बोल रहे हैं कि जो हर चीज़ में बोलने की सलाहियत पैदा कर सकता है। अंतक कुल्ल शय, ज़रूरत पड़ती है तो खुदा दरख्त में वो सलाहियत पैदा करता है कि दरख्त खुदा की कुदरत की गवाही देता है, बोलता है। ज़रूरत पड़ती है तो संग्रेज़े गवाही देते हैं, संग्रेज़े बोल पड़ते हैं। वक्त पड़ने पर परिंदे हैवानात भी खुदा की यगानगी, खुदा की वहदानियत पर गवाही देने के लिए बोल पड़ते हैं। तो क़यामत के दिन इंसान के आज़ा और जवारे बोलेंगे, इंसान की ज़बान पे ताला लग जाएगा। अफवाहिम नख्तिम, जैसे हम कहते हैं खातम, खातम अंगूठी को कहा जाता है और ये इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि कदीम ज़माने में अंगूठी में ही इंसान का नाम नक्श होता था, गोया वो एक मोहर होती थी। इंसान किसी को ख़त लिखता तो आखिर में ऐसे अंगूठी को लगाता था जिसके ज़रिए से सील, जो आज हम कहते हैं मोहर, लग जाती थी, है ना। तो कहा जा रहा है कि हम मोहर लगा देंगे उनकी ज़बानों पर, ना ज़बानों में कोई सलाहियत नहीं रहेगी बोलने की। अच्छा, ये आयत गरचे उमूमी है, कुल्ली है, हर गुनाहगार के लिए है, लेकिन तफसीर साफ़ी में साहिब तफसीर साफ़ी पांचवे इमाम इमाम मुहम्मद से रिवायत नकल करते हैं। बहुत अच्छा है कि अगर यही बात हो तो पांचवे इमाम से रिवायत नकल करते हैं कि खुसूसी तौर पर ये आयत कुफ्फारुल मुशरिकीन के लिए है, इसलिए कि खुदावंद आलम जब उनके बुरे आमाल और उनकी बदआमाली और दुनिया में जो किस्ब उन्होंने अनबिया के हवाले से अपनाया था, अनबिया को झुठलाया था, आसमानी किताबों को झुठलाया था, तो उसकी गवाही खुदावंद आलम पेश करेगा, फरिश्तों के ज़रिए से पेश करेगा, तो वो फरिश्तों की गवाही का इनकार करेंगे। लोगों की उम्मत की जो उस वक्त का नबी होगा उसे गवाह पेश करेंगे तो उसका भी इनकार कर देंगे। तो फिर खुदावंद आलम कहेगा कि चलो तुम फरिश्तों की बात को ना मानते हो तो ना मानो, वक्त के नबी को ना मानते हो तो ना मानो, लेकिन तुम्हारे आज़ा व जवारे ही आज बोलेंगे, है ना। इंसान तब तो इनकार नहीं कर सकता कि हक बात इस तक पहुंची लेकिन इसने हक का इनकार किया, इंसान के आज़ा व जवारे। तो ये आयत दर्जे उमूमियत भी रखती है कि हर वो इंसान जिसने तौबा और इस्तग़फ़ार ना किया हो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा ना हुआ हो, तो उसके गुनाह को आश्कार करेंगे। खुसूसी तौर पर कुफ्फार मुशरिकीन के लिए है कि हक का पैगाम उन तक पहुँचा लेकिन फिर भी वो इनकार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जहाँ पर इंसान की अजीब कैफियत होगी, एक तरफ सख्ती, एक तरफ गर्मी, एक तरफ हिसाब किताब की संगीनी। तो ऐसे माहौल में अगर इंसान को कोई चीज़ बचा सकती है तो वो इंसान का तकवा है। अगर इंसान मुत्तकी है तो यही तकवा उसके काम आएगा। और लेकिन जब अल्लाह ने खुसूसी तौर पर अनबिया के बाद जो
आइम्मा अलैहिस्सलाम की शक्ल में भी, मासूमीन की शक्ल में भी हमारे लिए नमूना बनाकर भेजा है, उनकी ज़िंदगी को हम देखें तो हम यकीनन अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हैं। किस तरीके से उन्होंने हमें दावत दी है, जो तरीके गुनाहों से बचने के आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बयान किए हैं, उसे ज़रा बराबर भी इंसान समझ लेगा तो वह अपने को गुनाहों से बाज रख सकता है। और ऐसा नहीं कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ हमें ज़बान से दावत दी है, बल्कि उन्होंने अमलन अपने आप को बचाकर हमारे लिए नमूना बने हैं और हमारे लिए एक तरफ से बाइस इफ्तिखार भी हैं। तो चुनांचे मौला मुत्तकियान अमीर बयान हज़रत अली इब्न अबी तालिब ज़िंदगी को मुलाहिज़ा करें कि किस कदर हसास आइम्मा अलैहिस्सलाम थे, और छोटे से छोटे गुनाह तो दूर की बात, गुनाह से तसव्वुर, गुनाह के सिर्फ तसव्वुर और गुनाह के फिक्र से भी किस तरह उन्होंने अपने आप को बचाया है। शदीद सर्दी का ज़माना था, बहुत ज़्यादा सर्दी के इंसान का बदन काम पे लग जाए, इसलिए कि आज की तरह तो सहूलियत नहीं थी उस ज़माने में, तो इंसान जितनी ज़्यादा सर्दी होती थी उतने ही मोटे कपड़े वो इस्तेमाल करता था ताकि बच सके, तन्हा यही एक रास्ता था, है ना। तो हिफाजत के लिए सर्दी बहुत ज़्यादा थी, शदीद सर्दी थी, तो ऐसे में मौला कायनात के पास एक कनीज जब देखा कि उनका आका मौला अली जो है बहुत सर्दी के मौसम में परेशान नज़र आते हैं, और वही सादा सीधा और मामूली लिबास है, गर्मी का इंतज़ाम करने के लिए कोई ज़रिया नहीं है, तो वो कनीज आगे बढ़ती है और एक लिबास पेश करती है। उसके लिए कतीफ़ा का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल हुआ है, बहरहाल एक मोटा लिबास, टाट का लिबास पेश किया ताकि मौला सर्दी से महफूज हो जाए। तो रात की तारीकी, रात के सन्नाटे में पूरी रात गुजारनी है, सर्दी का मौसम है, तो मौला कायनात ने उस कनीज से कहा कि मैं ये लिबास हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, रात भर सर्दी में ही गुजारूँगा, इस सर्दी के अजाब को बर्दाश्त कर लूंगा। कनीज ने कहा मौला बात क्या है, तो मौला कायनात ने जवाब दिया कि देखो ये जो लिबास तुम मेरे पास लेकर आई हो ये बैतुल माल का लिबास है, अली सर्दी को बर्दाश्त कर ले सकता है लेकिन बैतुल माल का कोई भी चीज इस्तेमाल करे ये अली को बर्दाश्त नहीं है ना। आइम्मा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को आप उठाकर देखें, अनबिया की ज़िंदगी को उठाकर देखें, किसी भी नबी ने, किसी भी पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी का गुजरान चलाने के लिए मौजूज़े का सहारा नहीं लिया, दुआओं का सहारा नहीं लिया कि इमाम सिर्फ घर में बैठ जाए और दुआ करें उनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो जाए, गर्चे हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना, मौजूदा भी उनके लिए हो सकता था, घर में फातह रखने की क्या ज़रूरत थी, एक हाथ बुलंद हो जाता शहजादी का तो बेहतरीन से बेहतरीन खाने का अंबार लग जाता था, लेकिन नहीं, ना अनबिया ने कभी ये काम किया, ना आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कभी ये काम किया है। तो हर नबी ने कुछ ना कुछ पेशा, कुछ ना कुछ शुगल इख्तियार किया था जिसके ज़रिए से वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारा करते थे, तो मौला कायनात का भी यही तरीक़ा था। मौला कायनात अपना घर चलाने के लिए रातों रात यहूदी के बाग में काम किया करते थे, खेतों में पानी दिया करते थे, कभी कुएं खोदा करते थे मौला कायनात, है ना। तो इतना सब कुछ मौला के लिए किस लिए, इसलिए कि ये अल्लाह ने इनको हमारे लिए, इंसानों के लिए नमूना बनाकर भेजा, और जब वो आए
हर चीज़ दुआ से करने लगे तो फिर हमारे लिए कहाँ से नमूना बनेंगे, किस तरीके से हमारे लिए वो एक आइडियल बन सकेंगे। तो अल्लाह ने नमूना जब बनाकर भेजा तो सृष्टियों को उन्होंने झेला ताकि ये बता सके कि इंसान चाहे तो अपनी ज़िंदगी को सख्तियों में भी खुशी खुशी खुदा की इबादत में गुजार सकता है। तो बहरहाल इंसान के लिए जब भी फुर्सत हो, तौबे का मतलब भी यही है, अल्लाह से डरने का मतलब भी यही है कि जब भी कोई भी फुर्सत उसे मिल जाए तो वो फुर्सत को गनीमत समझे और उस फुर्सत से फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। ये ना देखिए कि ये नेकी छोटी है, नेकी है तो फिर छोटी नहीं हो सकती, है ना। ये ना देखिए कि बुराई है तो ये छोटी है, बुराई भी छोटी नहीं हो सकती। लिहाजा अहादीस में है, मौला मुत्तकियान बयान करते हैं कि ला तंजुर इला सिगरिल खतीहा बल उंजुर इला मन असैता। अजीब जुमला मौला कायनात ने बयान कर दिया, पूरी तारीख को खंगाल के रख दिया है इस जुमले में, गुनाहों की हिस्ट्री को बयान कर दिया। मौला मुत्तकियान बयान करते हैं कि ला तंजुर इला सिगरिल खतीहा, हरगिज तुम ये ना देखो कि ये गुनाह छोटा है, ये खता तुम्हारी छोटी है, बल्कि बल उंजुर इला मन असैता, ये देखो कि तुम किसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, है ना, खुदा की खिलाफ वर्जी कर रहे हो तो उसके मुकाबले में गुनाह छोटा और बड़ा नहीं है। हाँ, शिद्दत अजाब में कमी और ज्यादती हो सकती है, अजाब छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन गुनाह कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता, वो खिलाफ वर्जी है। इसी तरीके से कोई भी नेकी छोटी बड़ी नहीं हो सकती, है ना, सवाब कम और ज्यादा हो सकता है लेकिन नेकी बहरहाल नेकी है। खुसूसी तौर पर वो नेकी जो खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए, है ना, तो वो किसी भी सूरत में छोटी नहीं कहलाई जाती। ये अहादीस रिवायत का मफहूम है कि जो अमल खुदा कबूल कर लेता है वो अमल छोटा हो ही नहीं सकता। तो अच्छा, तो जैसे ही फुर्सत मिलती है इंसान को एक तस्बीह पढ़ने की, तस्बीह पढ़ने बहुत कम वक्त है, कम से कम 5 दरूद वो पढ़ ही सकता है, दरूद पढ़ ले जैसे ही फुर्सत मिलती है। तो इंसान अगर सही जगहों पर अपने वक्त का इस्तेमाल कर लेता है तो फिर बुराइयों के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। बदबख्ती यही है कि हम जैसे ही वक्त मिलता है बुराइयों के रास्ते ज़्यादा ढूंढते हैं। चलो आज छुट्टी मिल गई, मैच देख के गुजारेंगे, छुट्टी मिल गई कहीं बाहर घूमने चले जाएंगे, छुट्टी मिल गई, है ना, तो हम थोड़ा सा ऐश कर लेंगे। इस फिक्र में जो है इंसान मुब्तला होता है तो अपने को बुराई में मशगूल कर देता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर ये सोचे कि अगर आज छुट्टी है तो चलो हम बूढ़े माँ बाप से मुलाकात के लिए चले जाते हैं, सिले रहमी कर लेते हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात कर लेते हैं, हमारा टाइम भी पास हो जाएगा, एक अच्छी इबादत का मौका भी हमें मिल जाएगा। तो अच्छाइयों में इंसान गुजार लेता है तो बुराइयों के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। तो गरज हमारा कहने का मकसद ये कि फुर्सत मिले तो जो नेकी वो कर सकता है वो करे। देखिए मिर्ज़ा हुसैन नूरी, है ना, ये शेख अब्बास कुम्मी जो मुहद्दिस कुम्मी के नाम से मशहूर हैं उनके भी उस्ताद, मिर्ज़ा हुसैन नूरी एक दास्तान नकल करते हैं, बहुत ही 2 जुमले में मैं इसका खुलासा कर दूंगा कि एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि रोज़े महशर बरपा है, क़यामत का समा है, हिसाब व किताब है, हर आदमी नफसी नफसी की आवाज़ दे रहा है कि मैं क्या करूँ, हाय मैं क्या करूँ, हाय मैं क्या करूँ, कौन मुझे बचाएगा। हर आदमी को अपने अपने नफ्स की पड़ी हुई है। तो ये कहता है ख्वाब देखने वाला कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी भी नौबत आई, मेरे हाथ में भी नामा आमाल दिया गया, सारे नामा आमाल, है ना, छोटी सी छोटी नेकी भी यहाँ महफूज होती है और छोटी से छोटी बुराई भी जब्त कर ली जाती है।
जब नामे आमाल मेरे पास पेश किया गया तो अजीब मंजर था। मैंने देखा कि मेरी बुराइयां ज्यादा हैं, मेरे अच्छे आमाल कम हैं। गोया जो नामे आमाल हमारे पास पेश किया गया तो बुराइयों का पल्ला भारी था। जो तराजू में रखा गया तो क्या पल्ला बुराइयों का भारी था, नेकी कम थी। तो वो साहब खाब बयान करते हैं कि मैं बहुत परेशान था कि क्या करूं। इतने में अचानक एक नूर आया और वो सीधा मेरे नामे आमाल में आके बैठ गया। तो जैसे ही वो नूर आया तो मैंने देखा कि अब नेकियों का पल्ला भारी होने लगा। तो मैं ताज्जुब करता रहा कि आखिर ये कौन सा नूर है, मैंने कौन सी ऐसी बड़ी नेकी कर दी, लेकिन छोटी से छोटी नेकी भी। तो उस वक्त फरिश्तों ने आवाज़ दी कि बंदे खुदा, तुझे मालूम है कि एक मर्द मोमिन का इंतकाल हुआ था, तू नमाज जनाजा में शिरकत के लिए गया था, नमाज जनाजा के बाद जब दफन करने की नौबत आई तो तूने एक मुट्ठी खाक अपनी मुट्ठी में उठा के उसके कब्र में डाला था, तो उस एक मुट्ठी का सवाब है जो नूर बन के आया है तेरे आमाल को भारी कर देंगे। कौन सा बड़ा काम है भाई एक मुट्ठी खाक डाल देना। लेकिन है इंसान के लिए कि अगर वो वक्त को गनीमत समझे, मौका मिलता है तो अब क्या नमाज जनाजा भी अब फैजी हो गई है ना। बहुत ही अजीब हालत है, जनाजा एक तरफ रखा हुआ होता है, दूसरी तरफ मजाक चल रहा होता है। एक तरफ मैयत पड़ी हुई है, दूसरी तरफ मोबाइल में इंसान मसरूफ है, कभी कभी गेम भी खेलता है। मतलब ये अपनी आंखों से देखी हुई बात है, मैयत पड़ी हुई है। दरहाली के वो जमाना था पैगंबर इस्लाम के जमाने में, सहाबा ये कहते हैं, रिवायत है कि पैगंबर के जमाने में अगर कोई भी जनाजा आ जाता था तो लोग खौफे खुदा से इतना गिरिया करते कि बाहर से आने वाले मेहमान को पता नहीं चलता कि मैयत किसकी है। इसलिए कि हर आदमी रो रहा है। आजकल क्या है, जो ज्यादा रोता है तो ये पता चल जाता है कि इसका कोई अजीज, इसका कोई करीबी रिश्तेदार मरा है ना। लेकिन उस जमाने में, रसूल के जमाने में, कुन्ना फी अहद रसूलिल्लाह है ना, कुल्लमा जाअत, जब भी कोई मैयत आती, तो जब हम पैगंबर इस्लाम के जमाने में थे तो मैयत को देखकर अपने अंजाम के बारे में सोचते कि आज ये जा रहा है तो ये बहुत बड़ा दर्स हमें देकर जा रहा है। कल तक ये हमारे ही साथ रहा करता था, खेलता था, कूदता था, हमारे साथ ही बातों में मशगूल होता था, लेकिन आज वो हमसे जुदा हो रहा है। अब ना उसमें हरकत की ताकत है, ना खुद से नहाने की ताकत है, ना खुद से कफन पहनने की उसमें सलाहियत है, कुछ भी नहीं है, वो जा रहा है। कल हमारा भी यही हश्र होगा। इसको सोच सोच के लोग इतना रोते थे कि किसी को पता नहीं चलता था कि मैयत किसकी है, सब रोते थे अपने आखिरत को। लिहाजा मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि बाज़ लोग ये फख्र करते हैं कि मरने वाला बड़ा नेक बंदा था, लिहाजा क्या है हज़ारों की तादाद में लोग आ गए, 1000 आदमी तो कम से कम कब्रिस्तान तक आ गए, उसको कब्र में उतारने के लिए आ गए। तो मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि हमने उसे, हम 1000 लोगों ने मिलकर उसे कब्र तक नहीं पहुँचाया है, बल्कि मरने वाले ने 1000 लोगों को उनकी मंजिल का पता बताया है, है ना, कि आज मैं उतर रहा हूँ कब्र में, मुझे उतारा जा रहा है, तो कल भी तुम्हारी मंजिल यही होगी। इंसान बहरहाल इस बात का ख्याल करे। तो क़यामत का मंजर वाकई क़यामत का होगा। हम देखते हैं थोड़ी सी सख्तियाँ आ जाती हैं, थोड़े से मसायब आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी का जवान बेटा मारा जाता है तो हम कहते हैं कि वो हम मैयत में गए थे, क़यामत का मंजर था, है ना। जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन क़यामत में जो मंजर होगा वाकई वो क़यामत का मंजर होगा। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान कैसे बच सकता है, तो एक ही उसके लिए रास्ता है कि वो तक्वा इलाही को इख्तियार करे, दुनिया में खौफ़े खुदा को अपने दिल में बसाए। इंशाअल्लाह खुदा की बारगाह में दुआ है, खुदा वंद आलम हम सबको वाकई मामलों में मुंतकी बनने की तौफीक अता फरमाए। Allah'a emanet olun.
इस वक्त अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं, कुछ मुनासिबतों से ये अयाम रूबरू हैं। सबसे पहली मुनासिबत कल 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बाद मशहूर रिवायत के अतबार से हमारे और आपके आखिरी इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा शहादत की तारीख है। गरचे आठवें इमाम की शहादत की तीन तारीखें मशहूर हैं, अगर पूरा हम मुतालिया करें तो 7 तारीखें भी हमें मिलती हैं जो शहादत की। बहरहाल पुराना वो ज़माना और तारीख तो दुश्मनों ने लिखा है, जानबूझकर भी हो सकता है कोई गड़बड़ था कि अब इतनी शहादत की तारीखें बयान कर दी जाएँ कि लोग शहादत ही ना मनाएं, ये भी एक साजिश हो सकती है दुश्मनों की तरफ से। तो 3 तारीखें, हालांकि हिजरी में कोई फर्क नहीं है, सब ने 203 हिजरी लिखा है, लेकिन रोज़ में खुद तारीख में इख्तलाफ किया है। तो बाज़ रिवायत के हिसाब से 17 सफ़र है, बाज़ रिवायत के हिसाब से आखिर सफ़र है जो 8वें इमाम की तारीख शहादत है, और बाज़ रिवायत में 23 ज़िलक़ादा भी है, यानी बंदे नवाज जो हम लोग बोलते हैं उसकी 23 तारीख। 3 तारीखें इमाम की शहादत की मुनासिबत से बयान की गई है। और अगली मुनासिबत जो वाकई हमारे लिए इस वक्त बहुत ही एक हिसाब से बेहतरीन मुनासिबत भी है और एक हिसाब से गमनाक तरीन मुनासिबत भी है, वो क्या 20 सफर मुज़फ़्फ़र, बहुत ज़्यादा फासला नहीं रहा ना, जो रोज़े 40 से मौला इमाम हुसैन के 40 से मशहूर है। सुबह भी मैंने अपने वतन में मजलिस के दौरान एक जुमला कहा था कि जैसे जैसे 40 करीब होता है, हम में से कोई ऐसा नहीं होता जिसके दिल में ये हसरत ना हो कि काश 40 में हम ही कर्बला में होते, हम ही नजब से पैदल कर्बला जा रहे होते, हमारे लिए कितना अच्छा होता। ये हमारा हर दिल, हर आज़ादार का दिल इस हवाले से मगमूम है, गमनाक है। तो बहरहाल 40 सिर्फ इमाम हुसैन के चहलों के लिए नहीं है, बल्कि रोज़े 40 को रोज़े तजदीद अहद कहा जाता है, यानी वक्त के इमाम से तजदीद बैअत, वक्त के इमाम के हाथों बैअत करने का दिन है कि इंसान 40 के मौके पर। क्यों? इसलिए कि ज़ियारत 40 में एक जुमला है जो 11 इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम जहालत व हैरत ज़लाला, अजीब जुमला है, पूरे कर्बला के मकसद को इस जुमले में 11 इमाम ने बयान कर दिया है कि मेरे जद हुसैन ने खुदा को मुखातब करके कहते हैं कि परवरदिगार मेरे जद हुसैन ने अपना खून बहा दिया, वह बज़ला मुहजतहू यानी अपने खून जिगर को बहाया है, अपने लहू को बहाया है, किस लिए? ताकि तेरे बंदों को नजात दिला सके। किस चीज़ से? मिनल जहालत व हैरत ज़लाला, जहालत से नजात दिला सके। जहालत का नतीजा ही तो था जो इमाम हुसैन शहीद हुए और छोटे छोटे बच्चे प्यासे शहीद हुए। तो और फिर आगे बढ़कर कहते हैं कि वह हैरत ज़लाला यानी बहुत सारे लोग दो राह में खड़े हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि हम किस तरफ जाएं। तो असली रास्ता इमाम हुसैन ने कर्बला में बयान किया। तो कर्बला जो वाकई हुई है, इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की है, उसके पीछे जो मुहिम तरीन सबब है वो जहालत को दूर करना है और
दो राह में भटकने वाले को सही रास्ता दिखाना है। तो रोजे अरबईन रोजे तजदीद बैत है, फिर 21 सफर से अशराए ज़ैनबिया शुरू हो जाता है जो अय्याम शहादत है हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद हो जाते हैं। तो बार बार मुनासिबत के मौके पर उलमा फतवा आपके सामने अपने बयानात आपके सामने पेश करेंगे और आप भी इंशाअल्लाह मुस्तफीद होंगे। चूँकि आटो इमाम की शहादत की तारीख कल है लिहाजा एक बात ये थोड़ा धुआं जो है अब जला दिया गया जिसका फल एलर्जी की वजह से, तो अर्ज करूँ मैं आपकी खिदमत में कि हुसैन बिन मूसा रावी हैं, ये कहते हैं कि मुझे शक नहीं था इमाम के इल्म पर कि इमाम इल्म गैब भी रखता है, मेरे लिए शक की गुंजाइश नहीं थी, मुझे मालूम था, लेकिन बात यही है यक महीना कल्बी, कभी इंसान को शक नहीं होता लेकिन वह इत्मीनान कल्ब को बढ़ाना चाहता है। तो हुसैन बिन मूसा कहते हैं कि एक दिन आठवें इमाम के पास साथ गुजर रहा था, दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश किसी तरीके से इमाम का इल्म गैब मेरे लिए जाहिर हो जाए ताकि मेरा ईमान और पक्का हो जाए। दोनों निकले, अचानक गर्मी का मौसम था, देखने में धूप, लेकिन आठवें इमाम ने कहा कि ए हुसैन बिन मूसा, क्या तुम्हारे पास बरसात से बचने का कोई सामान है, जिसे हम आज की जबान में कहें कोई छतरी वगैरह या कोई प्लास्टिक का सामान लेकर आए हो, है ना, रेनकोट वगैरह जिसके ज़रिए से बचा जाए। तो ये कहते हैं कि धूप का गर्मी का मौसम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमाम मजाक कर रहे हों, लेकिन मैं इमाम के चेहरे को देखा तो बिल्कुल मजाक के आसार नहीं थे, इमाम फुल सीरियस थे, है ना, बिल्कुल ऐसे कि जैसे इमाम सच बात कह रहे हों। तो मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मौसम तो बारिश का नहीं है लेकिन इमाम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं। अभी ये जुमला सोच का ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अचानक एक बारिश का मोटा सा खतरा मेरे चेहरे पर पड़ा और मैंने आसमान की तरफ निगाह की तो सियाह बादल जगह जगह पर छाए हो गए हैं। ना इमाम इल्म गैब जो है यहाँ ये चाह रहा था। तो आठवें इमाम इसकी तरफ देखकर ये कहते हैं कि अरे हुसैन बिन रूह, क्या अब भी हमारे हुज्जत खुदा होने में तुम्हें शक है, ना वो जाहिर नहीं करता है कि मुझे शक है इसलिए मैं, है ना, लेकिन इमाम को पता चल जाता है इमाम, और इमाम इमाम रऊफ है, रऊफ यानी जो हद से ज्यादा मेहरबान होता है उसको रऊफ कहा जाता है, खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, रऊफुर रहीम रऊफुन बिल इबाद, यानी वो अपने बंदों के साथ बहुत ज़्यादा मेहरबान है खुदा बंदे आलम, ना बंदों की और खुदा की फितरत में देखिए कितना बड़ा फ़र्क पाया जाता है। हम जैसे गुनाहगार बंदों की फितरत ये होती है कि छोटी छोटी सी गलती पर नाराज़ बहुत जल्दी होते हैं, माफ़ बहुत देर करते हैं, है ना, दसियों साल बीसियों साल तीसियों साल पचास पचास साल हमारे दिल में दुश्मनी होती है, ये ना होता है। तो इंसान की सिफत क्या है, वो नाराज जल्दी होता है और देर से माफ करता है, लेकिन खुदा बंदे आलम रऊफ है, इसका मतलब क्या है, खुदा अपने बंदों से बहुत जल्दी राजी हो जाता है, है ना, नाराज नहीं होता, नाराज बहुत देर होता है लेकिन माफ बहुत जल्दी करता है। 30 साल 40 साल इंसान गुनाह कर रहा है फिर भी खुदा बंदे आलम उसे नेमतें दे रहा है, लेकिन आकर एक सजदा वो खुदा की बारगाह में कर लेता है, शर्मिंदा हो जाता है, तो खुदा उस एक सजदे के सबब उसे माफ कर देता है, तो उसे कहा जाता है रऊफ। तो आठवें इमाम का भी क्या है, लकब है रऊफ,
इमाम को कहा जाता है इमामुर रऊफ, है ना। जो लोग आठवें इमाम के हरम में जा चुके हैं वो जानते हैं, अगर इस नियत से गए हों कि इमाम के हरम में जो कैफियत है उसे महसूस करें, है ना। बहुत सारे लोग जाते हैं, जाने का अंदाज, जाने जाने की नियतें अलग अलग होती हैं। इंशाल्लाह के खुदा बंद आलम हर एक को अच्छी नियत से जाने की तौफीक अता फरमाए। जाते तो बहुत हैं लेकिन वापस आते हैं तभी ज्यारतों का असर हमें पता चलता है। यानी क्या, मैं आज मेरी हालत ये है कि मैं सही वक्त पर नमाज नहीं पढ़ता, माह मुबारक के रमजान के रोजे नहीं रखता, सदका नहीं देता, लेकिन मैं ज्यारतों पे जा रहा हूँ चहादा मासूमीन के, आइम्मा के, मैं वापस आया हूँ तो कैसे पता चले कि मैं वाकई मानों में ज्यारतों पे गया था और मेरी ज्यारतें कबूल हैं? तो वो हमारे अमल से जाहिर होता है। अब तक हमारी नमाजें कज़ा हो जाती थी, अब हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कि ज्यारत ने हमारे ऊपर असर किया है। सही, अब तक हमारे रोज़े कज़ा हो जाते थे लेकिन मैं ज्यारतों से वापस आया तो मेरा कोई रोज़ा कज़ा नहीं होता। तो इस तरीके से पता चलता है। तो बहरहाल कोई आठवें इमाम के रोज़े पर जाता है तो हर जाने वाला ये महसूस करता है कि मैं किसी पराए के मकान में, किसी गैर के घर में नहीं आया हूँ, मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं अपने ही माँ बाप के घर आया हूँ। ना, राफत हिस्सी जो है आठवें इमाम के रोज़े की, यह है कि इंसान वहाँ जाने के बाद एक अपनाइयत को महसूस करता है। तो लिहाजा इमाम के लिए कहा गया कि इमाम रऊफ है। और आठवें इमाम के हवाले से बहरहाल बहुत सारे पहलू हैं कि जिसमें इंसान बहस कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है। आठवें इमाम का इबादी पहलू, जो इबादत का मौका है, क्योंकि हमारे अक्सर अपॉइंटमेंट जो होते हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो या किसी दूसरी जगह, ऐन नमाज के वक्त ज़्यादातर होते हैं ना। ये शायद हमारे गुनाह की वजह से हो सकता है या हमारी कोताहियों की वजह से हो सकता है या गफलत का भी सबब है। तो सारे आम तौर से अपॉइंटमेंट नमाज, और जब हम कोई अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो फिर हमें नमाज की तरफ कोई तवज्जो भी नहीं होती। कब हम हॉस्पिटल में किसी मरीज के साथ होंगे तो हमें नमाज का ख्याल आया है ना। बहुत कम ये होता है कि इंसान हर जगह नमाज को याद करे, लेकिन आठवें इमाम हमारी जान कुर्बान है ना, साहिबीन से मुनाजरा कर रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक मुनाजरा, बिल्कुल औज पर है मुनाजरा। अब बस दो चार मिनट, पाँच मिनट में नतीजा मिलने वाला है, लेकिन ऐसे में अजान की आवाज़ सुनते हैं तो इमाम मुनाजरे को रोक देते हैं और नमाज की तरफ बढ़ जाते हैं। चाहने वालों ने कहा, मौला अब दो चार मिनट की बात है, अगर आप रुक जाते हैं तो जीत आपकी है। तो आठवें इमाम ने कहा, अब तक मुनाजरे में जीत का इंतज़ार हम किस लिए कर रहे थे? वो खुदा ही के लिए तो कर रहे थे, अब खुदा ने बुलाया है तो हम क्यों यहाँ रहे, है ना। तो खुदा ही के लिए तो हम मुनाजरा कर रहे थे, अब खुदा बुला रहा है, हम ना जाएंगे तो उस जीत का फ़ायदा ही क्या है? अगर जीत हमारे मुकद्दर में है तो कोई हमें हरा नहीं सकता है। लिहाजा इमाम इतने अजीम मुनाजरे को भी छोड़ कर नमाज की तरफ बढ़ जाते हैं, गोया मुझे, आपको और हम जैसों को एक पैगाम दे रहे हैं कि इंसान चाहे जितना भी मसरूफ रहे लेकिन जब खुदा उसे बुला रहा हो रहा है, हैया अलस्सलाम की आवाज़ वो सुन लेता है तो वो नमाज की तरफ दौड़ जाए। ये बंदा होने का एक मिलाक है, मेयार है कि इंसान ना वक्त अजान, अजान पर लब्बैक कहे।